ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आपने जीवन में कई व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जो कई तरह की समस्याओं से परेशान रहते हैं। यदि कोई व्यापार करते हैं तो लंबे समय तक एक ही व्यापार से जुड़े नहीं रह पाते। कई नौकरी करते हैं तो लंबे समय तक एक जगह टिक करके नौकरी नहीं कर पाते। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। आर्थिक समस्याएं तो उत्पन्न हो ही जाएंगी इन परिस्थितियों में, और आर्थिक परिस्थितियां उत्पन्न होंगी तो परिवार के अंदर पारिवारिक समस्याएं भी उत्पन्न हो ही जाएंगी। ज्योतिषी विश्लेषण किसी पंडित जी के पास जाए और ज्योतिषी विश्लेषण किया जाए ईमानदारी से, तो एक बात मिलेगी, जो शुभ ग्रह हैं वो सुफल नहीं दे पा रहे हैं। अधिकांश ग्रह अस्त होंगे, निर्बली होंगे। जो पाप ग्रह हैं वो प्रभावी होंगे। सबके पास जन्म कुंडली नहीं होती, सबका ज्योतिष में विश्वास भी नहीं होता। आज की व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो कहते हैं ना, जिसको केस स्टडी, उस दृष्टि से बात करें तो एक बात पाएंगे हम, ऐसे व्यक्तियों के इन परिस्थितियों के पीछे कारण क्या होता है, व्यावहारिक कारण क्या होता है, हम उस पर विचार करते हैं। अगर आकलन करें तो एक बात देखेंगे, उन व्यक्तियों की निर्णय क्षमता कमजोर होती है, सही निर्णय नहीं कर पाते। यदि सही निर्णय करने, उन्हें सही मार्गदर्शन मिल भी जाए तो वो पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाते, अर्थात मन की कमजोरी और आत्मविश्वास की कमजोरी। इन दो कारणों को सहयोग मिल जाता है फिर दूसरी बातों का, वो कौन कौन सी हैं। मंगल ज्योतिष में मंगल को साहस का कारक माना जाता है, उसकी कमी। बुध को बुद्धि विवेक का, तर्क शक्ति का, वाणी का, उसकी कमी। शुक्र तो धन वैभव के कारक है, वो तो तब प्राप्त होगा जब सफलता मिलेगी कार्य में। शनि श्रम के कारक हैं, परिश्रम की कमी, लगकर किसी काम को ना करना, आलस्य की मात्रा अधिक होना, ये सब फिर सहयोग मिलेंगे और जीवन में समस्याएं ही समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। इन परिस्थितियों में ऐसी व्यक्तियों के लिए समाधान क्या है। अधिकांश जो होता है कहीं जाते हैं तो जो बताया जाता है, काल सर्प दोष है, नासिक चले जाओ शांति के लिए, वहां पर काल सर्प दोष की शांति करवा के आओ। पितृ दोष, गया जी जाकर के पितरों का पिंडदान, पितृ शांति करवा के आए। मैं तो अपने अनुभव की बात कर रहा हूं। ऐसे व्यक्तियों ने, कई व्यक्तियों ने कई बार नासिक में, उज्जैन में और भी स्थान पे, पुष्कर में, पता नहीं कहाँ कहाँ होती हैं, कितनी बार काल सर्प दोष की शांति करवा ली और कितनी बार गया जी में जाकर के पिंडदान पितरों की शांति करवा ली, लेकिन समस्याएं यथावत रही। कारण क्या है उसका? कारण सीधा सा है, बीमारी कुछ और, उपचार कुछ और। तो बीमारी ठीक होगी कैसे? तो हम विचार करते हैं कि आखिर ऐसी समस्याग्रस्त जैसे व्यक्ति का जीवन होता, उनमें मूल कारण क्या है। मूल कारण होता है ऐसे व्यक्तियों का सही निर्णय नहीं ले पाना, और सही निर्णय ले भी लें तो उसका सही ढंग से आत्मविश्वास से क्रियान्वयन नहीं कर पाना। अब आते हैं ज्योतिष के ऊपर, उपचार क्या है इसका। ज्योतिषी विश्लेषण से देखें तो चंद्रमा होते हैं मन के कारण। एक कहावत तो सुनी होगी आपने, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कोई व्यक्ति जब तक मन से नहीं हारता उससे हराना बड़ा मुश्किल है, और जब व्यक्ति मन से हार जाता है फिर उसके कैसे ही सहयोगी हों, उसे विजयी नहीं बना सकते। तो चंद्रमा का बलि होना बहुत आवश्यक है।
चंद्रमा के बलि होने से मन मजबूत होता है, मन संकल्पवान बनता है, मन की निर्णय क्षमता, सही निर्णय क्षमता वह उत्पन्न होती है। और सूर्य जब बलि होते हैं तो वो यथेष्ट आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। व्यक्ति सही निर्णय कर ले और आत्मविश्वास के साथ उस पर अमल कर ले, उसका क्रियान्वयन कर ले, सफलता तो स्वतः प्राप्त हो जाएगी। फिर तो मंगल का साहस, बुद्धि विवेक की बुद्धि, गुरु का ज्ञान, शनि के श्रम की, ये सारे सहयोग मिल जाएंगे स्वतः। व्यक्ति स्वयं खड़ा तो हो, तो ऐसी समस्याओं की से ग्रसित व्यक्तियों को चाहिए कि सहज से सरल से उन्हें उपाय बताता हूं, उन्हें करें और जीवन को सुखमय बनाए। अमावस्या एक ऐसी तिथि जिस दिन सूर्य प्रबल होते हैं, चंद्रमा उस दिन निष्प्रभावी होते हैं। पूर्णिमा, पूर्णिमा को रात्र में चंद्र बहुत बलि होते हैं, तो सूर्य की उपासना करें अमावस्या को। उस दिन सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय से लेकर के और आधे घंटे की समयावधि में सूर्यदेव को जल प्रदान करने का नियम बनाएं। वर्ष भर सूर्योदय के समय से आधे घंटे के भीतर, वर्ष भर सूर्योदय का समय एक नहीं रहता। गर्मी में सूर्योदय जल्दी होता है, सर्दी में विलंब से होता है, तो सूर्योदय के समय से आधे घंटे के अंदर अंदर सूर्यदेव को जल प्रदान करें, उन्हें अर्घ्य देने का नियम बनाएं और उसके बाद फिर किसी भी सूर्य मंत्र के नियमित जप का नियम लें। प्रतिदिन होना चाहिए ये। अमावस्या को से प्रारंभ करके जीवन भर के लिए नियमित करें इसको। पूर्णिमा मास में केवल एक बार आती है। जब दो पूर्णिमाएं, कई बार पूर्णिमा तिथि दो हो जाती है, तो पहले वाली तिथि की रात, पहले वाली तिथि की रात्रि में करना है। जैसे सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं, ऐसे ही चंद्रदेव को आधा जल और आधा दूध मिलाकर के अर्घ्य प्रदान करें। सूर्यदेव को जल प्रदान करना चाहिए ताम्र के लोटे में, और चंद्रदेव को ये दूध और जल मिला के अर्पित करना चाहिए चांदी या स्टील के लोटे में, तांबे के लोटे में नहीं। इसको नियमित करें और फिर प्रतिदिन नवग्रह स्त्रोत्र का पाठ का नियम बनाएं। नौ ग्रह, उनकी जैसी भी परिस्थिति होगी, अगर वो अशुभ स्थिति में हैं तो उनकी अशुभता का शमन होगा और वो शुभ फलदायी बनेंगे। यदि शुभ स्थिति में हैं लेकिन निर्बली हैं, अस्त हैं, अंशों में कमजोर हैं, उन्हें बल प्राप्त होगा और शुभ फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। मंत्र जाप का, स्तोत्र पाठ का यही लाभ है। ग्रहों के मंत्र जाप का यही सबसे बड़ा लाभ है। ग्रह यदि अशुभ स्थिति में है तो वो शुभता होती प्राप्त उनको, अशुभ स्थिति में नहीं है, शुभ है लेकिन कमजोर है, क्षीण है, तो उन्हें बल प्राप्त होता है और अधिक शुभ फल प्रदान करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए मंत्र जाप का अधिक महत्व है। तो नियमित सूर्य के, सूर्य की उपासना का नियम बना, रविवार के दिन सूर्य मंत्र का जप करें, सोमवार के दिन जो चंद्रदेव का प्रधान वार है, पूर्णिमा को जल प्रदान करके और सोमवार के दिन सूर्य चंद्र गायत्री का या किसी भी चंद्र मंत्र का एक माला जप किया जाए, रविवार को सूर्य का एक माला जप किया जाए, चंद्र और सूर्य दोनों के मंत्रों पर वीडियो बने हुए विस्तार से उन्हें देख लीजिए, इनका नियम बनाएं और प्रतिदिन नियम से नवग्रह स्त्रोत्र का पाठ करें। नवग्रह स्त्रोत्र आसानी से उपलब्ध है, दैनिक पूजा पाठ की जो पुस्तक दैन नित्य कर्मा पूजा पद्धति आदि पुस्तकों में सहजता से उपलब्ध होता है नवग्रह स्त्रोत्र, और मुश्किल से दो मिनट का पाठ है। उसका नियम प्रतिदिन नियम से एक पाठ का नियम बनाएं। धीरे धीरे जो शुभ ग्रह हैं लेकिन उनकी कमजोरी है, अस्त होने के कारण, किसी भी कारण उनको बल प्राप्त होगा, वो शुभ फल प्रभावी होंगे। यदि ग्रहों की स्थिति अशुभ है किसी भी कारण से, उस
उनकी अशुभता का शमन होगा और परिणाम स्वरूप जीवन में शुभता प्राप्त होगी। तो जो नवग्रह स्त्रोत्र है वो बहुत सहज सा सरल सा है। जवा कुसुम संकाशम काशपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पाप घ्रम प्रणतो अस्मि दिवाकरम दधि शंख तुषाराभम क्षीणान्न समुद्भवम नमामि शशनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम प्रियंगुकलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं तं नमामि शनिश्चरं अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनं सिंहिका गर्भ संभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्यहम इति व्यास मुकोद्गीतम यह पठेषु समाहित दिवा वाय दिवा रात्रो विघ्न शांति भविष्यति। ये इतना सा स्त्रोत्र है, मुश्किल से दो मिनट लगते हैं। तो एक माला अगर प्रतिदिन कर सके सूर्य की और चंद्र की, क्योंकि प्रधान रूप से तो सूर्य का चंद्र का बलि होना बहुत आवश्यक है। चंद्रमा ही आपको संकल्पवान बनाएगा, चंद्रमा ही सही निर्णय क्षमता देगा, चंद्रमा ही हारने नहीं देगा, मन से निराशा नहीं आने देगा। इसलिए हम चंद्रमा का केवल पूर्णिमा सोमवार ना करके निमित्त रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सोमवार पूर्णिमा वो जल प्रदान करने की तो बात एक ही दिन है महीने में पूर्णिमा को, और सोमवार मुश्किल से चार आते हैं, लेकिन प्रतिदिन कर सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। ऐसे ही सूर्य की उपासना, सूर्य मंत्र का जप नियमित किया जाए, दो ग्रहों का, एक सूर्य और एक चंद्र, ये प्रधान हैं, ये यदि चैतन्य होते हैं तो इनको सभी ग्रहों का शेष ग्रहों का सहयोग बहुत आसानी से मिलता है, और इन सभी नौ ग्रहों का सहयोग व्यक्ति के जीवन में यथेष्ट सफलता का प्रारंभ करते हैं, रचना करते हैं, सृष्टि करते हैं। जितनी समस्याएं हैं उनके समाधान का मार्ग भी ये नौ ग्रह प्रशस्त करते हैं। बीमारी है किसी भी प्रकार की और उससे मुक्त हमें होना है तो उपचार तो लेना होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उपचार उस बीमारी के अनुसार ही हो। ऐसा नहीं कि रोग कुछ और उपचार कुछ और फिर कहें हम कि सारे उपचार करा के देख लिए कुछ नहीं होता है, होगा कहां से। तो नौ ग्रहों की उपासना का, नवग्रह स्त्रोत्र का नियम बनाएं, सूर्य और चंद्र का नियमित उपासना का नियम बनाएं। सूर्य देव आपको यथेष्ट आत्मविश्वास प्रदान करेंगे, चंद्रदेव मन की क्षमता प्रदान करेंगे, मन की शक्ति प्रदान करेंगे, शेष सारे ग्रह आपके सहयोग प्रदान करेंगे, और आपके सबके जीवन में, जिनके भी जीवन में इस प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से मुक्ति होगी और जीवन यथेष्ट सुखमय होगा, आनंदित जीवन होगा। आप सबके सुखमय जीवन की प्रार्थना करता हूँ। इसी प्रार्थना के साथ आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।